नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद हरिद्वार के मंगलोर में स्थित राशन के FCI गोदाम का आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम के कर्मचारियों में अफरा तफरी मची रही। निरीक्षण के दौरान में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को कई तरह की कमियां गोदाम में मिली। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने राशन की बोरियों को तुलवा कर देखा तो पाया कि कई बोरियों में राशन पूरा नहीं था, किसी में 1 किलो कम था तो किसी में 1.5 किलो कम था, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने FCI गोदाम के अधिकारी को भी फटकार लगाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा कमियों की जानकारी जुटा ली गई। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आज मैंगलोर स्थित FCI गोदाम का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने गोदाम में कई तरह की कमियां नजर आई, जिसको लेकर उन्होंने गोदाम के अधिकारी को भी फटकार लगाई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी चीजें सही तरीके से की जा रही है या नहीं, इसको लेकर आज FCI गोदाम का निरीक्षण किया गया, जिसमें बोरियों पर भार अंकित है वो सही नहीं पाया गया। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। एक औचक निरीक्षण के निर्देश के क्रम में ये औचक निरीक्षण किया गया। इसमें गेहूँ क्रय केंद्र, हमारा FCI गोदाम और जो PDS डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हासिल जाता है एलोकेशनों को, उसी के संबंध में आज छापेमारी की गई। देखा गया कि सारी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है कि नहीं, जो संबंधित गोदामों में सट्टे पाए गए हैं उनके ऊपर किस प्रकार की फाइनेंशियल ईयर की क्या अंकित किया गया है, उसमें कितना उसका वेट है, मानकों के अनुसार वो है या नहीं, तो इस सभी को लेकर के आज इंस्पेक्शन किया गया और उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं उनकी आंखें पोषित की गई। स्टॉक रजिस्टर की जो विभिन्न खाद्यान्नों की एंट्रीज थी उसके अनुसार फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई किया गया है, उसमें जो अंतर पाया गया है उसको आंखों में लिखित करके पेश किया गया।